एक्ट्रेस नुपुर मेहता की आज आईसीसी के चीफ इन्वेस्टिगेटर एलन पिकॉक ने करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की है। ये पूछताछ मुंबई में हुई है और मैच फिक्सिंग के सिलसिले में उनसे कई जवाब तलब किए गए। बुकियों के सिलसिले में पूछा गया, क्रिकेटर्स के सिलसिले में पूछा गया। हमारे साथ इस वक्त खुद नुपुर मौजूद है। नुपुर, क्या पूछा आखिरकार आईसीसी ने आपसे आज? जी, आईसीसी काफ़ी टाइम से, करीबन 2 महीने से मुझसे मिलना चाहती थी, पर आज हालांकि उनसे जब मुलाकात हुई तो जो आईसीसी के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं मिस्टर एलन पीकॉक, उन्होंने काफ़ी देर मुझसे पूछताछ जारी रखी और उन्होंने यही पूछा कि मैच फिक्सिंग में आपका कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है और कौन कौन से आप क्रिकेटर्स को जानती हैं और उनके साथ किस तरह के आपके रिलेशंस हैं और आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करी और क्रिकेट टूर्नामेंट देखने किस किस देशों में गई। तो इन सब मुद्दे पे ही बात चली थी। आपने क्या बताया, आप किन किन क्रिकेटर्स को जानती हैं? जी, मेरे कुछ क्रिकेटर फ्रेंड्स हैं, ये एकदम मेरा जाती मामला है, तभी मैंने इस बात का खुलासा नहीं किया था पहले भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो क्योंकि मेरे से मीडिया ने हमेशा यही बात पूछी थी कि आप किसी को स्कैंडल की वजह से या मैच फिक्सिंग की वजह से। लेकिन आपने किन किन के नाम बताया आईसीसी को? आईसीसी ने मुझसे पूछा था कि आप कौन कौन से ये क्रिकेटर्स को जानते हैं अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, तो मैं इंडियन क्रिकेटर्स को भी जानती हूँ, कुछ वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स हैं और कुछ श्रीलंकन क्रिकेटर्स हैं, इंडियन में मैं मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे और वेस्ट इंडियन में राम क्रिस के और श्रीलंकन में अच्छे लोग हैं सारे, तो मैं इनको पर्सनली जानती हूँ और मैंने उनके नाम के खुलासे किए क्योंकि मैंने पहले भी बोला था इंटरव्यू में कि जब भी अथॉरिटीज़ बैठती हैं मुझसे पूछताछ होती है मैं उनका पूरा सहयोग दूंगी। कैसे आपकी मुलाकात हुई इन लोगों से? देखिए, जब आप एक गेट टुगेदर में जाते हैं, एक पब्लिक सोशल प्लेस में जाते हैं, तो अगर आपको कोई एक इंसान मिलते हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग तो आपको 10 और लोगों से मिलवाते हैं, वो तो नेटवर्किंग के ही थ्रू मैं जानती हूँ। सोशल गेट टुगेदर्स में मैं गई, वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स से मिली, उन्होंने मेरे को आगे और लोगों से इंट्रोड्यूस किया। लाइकवाइज जैसे मैं जानती थी, तो जब हम लोग बाहर गए एक पार्टी में तो वहां पे उनके दोस्त भी थे और भी क्रिकेटर्स थे उसी टीम के, तो पार्टी में मिली थी, ये 2003 की बात है, तब मैं इटली से आई ही थी इंडिया में, तो तब मैं उनसे मिली थी दिल्ली में, तो तब से मैं जानती हूँ उनको। तो कितनी बार मुलाकातें हुई है, किस तरह की, क्योंकि आपने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेटर है, गेट टुगेदर है, किसी ने तो आपकी पहचान करा के दी होगी? 2003 में जब मैंने उनको एक पब में देखा था दिल्ली में, तो बहुत ही अजीब सी बात है पर मैं उनको नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं उस टाइम इटली से आई थी और मैं क्रिकेट में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, और मुझे लगता है कि उसी टाइम उसी दौरान उन्होंने भी अपना करियर शुरू किया था, 2001-2 की बात है ये, तो वो भी इतने ज़्यादा चर्चित नहीं थे, तो मुझे नहीं पता था वो कौन थे, पर क्योंकि और लोग उनके बारे में बता रहे थे कि वो एक क्रिकेटर हैं, तो वो मेरे से खुद आए बात करने के लिए और फिर मैंने उनसे बात करी और बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, और तब से मैं उनको जानती हूँ और उन्होंने मुझे अपने और भी क्रिकेटर फ्रेंड से मिलवाया। वो कौन कौन थे? जी, उनके यहाँ पे पार्टी थी उनके घर में, तो वहाँ सारे इंडियन क्रिकेटर्स आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से वो जीत हासिल करके उस टाइम आए थे वापस इंडिया में, तो उन लोगों ने पार्टी रखी थी अपने लिए, तो वहाँ पे मेरी और भी मुलाकात हुई और इंडियन क्रिकेटर्स से। अच्छा, एक बात दूसरी, मैच फिक्सिंग की बात जो है, किस मैच फिक्सिंग के बारे में आईसीसी ने पूछताछ किया? आईसीसी ने मुझसे पूछा कि अगर मैंने वर्ल्ड कप 2011 का
फिक्स किया है पाकिस्तान के साथ जो सेमीफाइनल मैच हुआ था जिसके लिए मेरे पे ब्लेम डाला गया था, एलिगेशंस डाले गए थे, और जो वही वर्ल्ड कप जो फाइनल का था श्रीलंका के साथ, अगर वो मैंने उसमें मेरा कोई हाथ है या भाग है, और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2009 में लंदन में, लंदन वॉज द ऑफिशियल होस्ट फॉर इट, तो अगर वो उसमें मेरा कोई भाग है तो इसके बारे में पूछताछ करी थी। मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, मैंने पूरी तरह से उनका सहयोग दिया है, पूरी तरह से एकदम सच्चे जवाब दिए हैं, एंड मुझे लगता है कि ICC मेरे से बहुत खुश होके गई है मेरे जवाबों से, और मुझे एकदम क्लीन चिट दिया है ICC ने कि मेरा इसमें कोई भाग नहीं है, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी। अब उन्होंने पूछा, आपने कहा सट्टेबाजों की बात, क्योंकि सट्टेबाजों के बारे में पर्टिकुलरली उन्होंने पूछा आपसे? जी हाँ, उन्होंने दो चार नाम लिए थे कि कोई सूरज दिल्ली से हैं, या मनु भाई, या विकी सेठ, या सुनील दुबई, तो मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, और ऐसे लोगों से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो किस सिलसिले में आप जानती थी उनको? मेरे दोस्त रह चुके हैं और मैं उनसे लंदन में मिली थी 2009 में, और एकदम मेरा निजी मामला था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको पब्लिक में बोलने की जरूरत थी या मीडिया को या प्रेस को बताने की जरूरत थी। किसी फोन कॉल्स के बारे में, SMS के बारे में, इन क्रिकेटर के साथ आपका कभी आदान प्रदान हुआ हो उसके बारे में पूछा या हुए हैं आपके? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैंने किसी क्रिकेटर को SMS किया हो या SMS पे मैंने ऐसी कोई बात करी हो, तो मैंने उसका यही जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, मैंने इस तरह की बात किसी क्रिकेटर से करी ही नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, खूबसूरत हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक जरिया हूँ ये मनी का आदान प्रदान करने के लिए और मैच फिक्सिंग करने के लिए, पर ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और मेरा इससे कोई नाता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको मैं सिर्फ एक निजी तौर